स्वागत है आपका चिट चैट विद आरके में। आई नो कि शायद आपको लग सकता है कि अभी अंधेरा हो रहा है, पर स्वागत है आपका चिट चैट विद आरके में। आज हम लोगों से, अमृतसर के लोगों से जिन्हें खाने पीने का बहुत शौक है, उनसे पूछेंगे कुछ खाने पीने के सवाल कि उन्हें क्या खाने पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। तो आज हम जाएंगे यूटी मार्केट यानी कि यूनिवर्सिटी के सामने वाली मार्केट में और देखते हैं लोगों का रिस्पॉन्स क्या है अबाउट वॉट दे थिंक अबाउट द फूड दे ईट और द फूड दे डोंट ईट। सो चलो चलते हैं यूटी मार्केट। स्वागत है आपका चिट चैट विद आरके में। मेरा नाम ऋषभ कुमार है, अपना नाम बताइए। राजीव शर्मा। चाननप्रीत सिंह। अमरदीप सिंह हुंदल। ईशान। सौरभप्रीत सिंह। मेरा नाम लकी है। मलकीत सिंह। पूजा नायक। दीप सिंह। मेरा नाम सर सुमित कुमार है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल लोगों को खाने का बहुत शौक है, अमृतसर पंजाब में मेन डिशेज होती है खाने की। अब आप मुझे बताइए कि जैसे अब अमृतसर है, लोग यहाँ पे क्या स्पेशल मानते हैं कि यहाँ अमृतसर आए हैं तो ये चीज़ तो खाएंगे ही खाएंगे? कुलचा। अमृतसरी कुलचे ज़्यादा पसंद। हाँ, कुलचे साथ में, साथ में लस्सी। लस्सी पंजाबी लस्सी, पंजाबी मीठी लस्सी। मीठी लस्सी नहीं, मेरे हिसाब से तो जो अमृतसरी कुलचा होता है वो बहुत स्पेशल है, जो कि कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और आप चाहे जलंधर चले जाओ, लुधियाना चले जाओ, वहाँ पे भी आपको सबसे पहले ऐड कुलचे की यही मिलेगी, अमृतसरी कुलचा, जो कि फिर भी वहाँ पे वो टेस्ट नहीं मिलता जो अमृतसर में मिलता है। सो मैं तो यही बोलूँगी कि कुलचा बहुत टेस्टी होता है, तो जब भी कोई आए तो कुलचा ज़रूर टेस्ट करें आप। वैसे तो अमृतसर में की हर एक खासियत है, यहाँ पे जो भी चीज़ बनती है स्पेशल बनती है, और यहाँ का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, यहाँ की लस्सी हो गई, जैसे मीठी लस्सी हो गई या नमकीन लस्सी जो घर से निकलते हैं, मक्खन निकालते हैं, या मक्की की रोटी, सरसों का साग, देसी घी, ये सब कुछ अलग है। इसी वजह से इनके जरिए जो भी चीज़ बनती है, जैसे कोई भी मिठाई ला ले लीजिए आप, या कुछ और ले लीजिए, जैसे भी कोई भी प्रोडक्ट से जो तैयार होता है वो सबसे स्पेशल होता है। इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि अमृतसर में कुछ भी आप खाए लजीज है। सर होली किचन दरबार साहब का लंगर, ये तो आलू वाला कुलचा ही है भाजी, इतने आगे खाता आई फेमस है। आलू वाला कुलचा। हाँ, आलू वाला कुलचा फेमस है। अमृतसरी कुलचा। साग ते मट्ठी दी रोटी। चिकन। स्पेशल थाली। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको खाने में सबसे ज्यादा स्वाद चीज क्या लगती है? घर का खाना ऑब्वियसली। कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर विद कुलचा, स्टफ्ड कुलचा। स्टफ्ड कुलचा। मक्की दी रोटी। डोसा। मशरूम मटर। आलू वाला कुलचा ही लगा लो आप। फास्ट फूड सर, बर्गर मंचूरियन। बर्गर मंचूरियन स्प्रिंग रोल सर। मेरे को तो खीर लगती। आपको? कुछ नहीं। दाल मखनी सब तो बेस्ट रोटी खाने लई। आज आलू जीरा खाते वो स्वाद सी है। वही दाल मखनी भाजी नाल चिकन चुकन बटर चिकन वगैरह ठीक है कि नहीं? है कढ़ाई चिकन। ये तो बंदा दाल मखनी जी कढ़ाई चिकन। पालक पनीर। सबसे अच्छा तो मुझे जब भूख लगी हो तो मैं तो सबसे अच्छा जो सबसे बढ़िया तो केसर का ढाबा है यहाँ पे, वहाँ का पराठा सबसे अच्छा फेमस है, तो वो खाना ला जाएगा। आप? दाल मखनी। और आपको वर्स्ट चीज़ क्या लगती है कि आपको वर्स्ट चीज़ क्या लगती है कि अगर आप कहीं मतलब रेस्टोरेंट में जाओ ऑर्डर करो तो क्या चीज़ है आप बिल्कुल ऑर्डर करना चाहोगे ही नहीं? नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। बैंगन पराठा। दाल चावल। दाल चावल बिल्कुल पसंद नहीं आपको? कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पसंद आपको? दही। दही नहीं पसंद। मिक्स वेज। ऐसे आज तक तो मेरे साथ हुआ नहीं। मुझे तो जो मिले मैं खा जाता हूँ बस। अमृतसर को छोड़ के बाहर ऐसा मिलता है? अमृतसर में नहीं मिलता। फास्ट फूड। बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं बर्गर नहीं। मैं पिज्जा। पिज्जा बिल्कुल नहीं पसंद आपको? पास्ता बिल्कुल नहीं पसंद। जो मर्जी खाओ तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? पनीर और लस्सी और योगर्ट और स्टफ्ड कुलचा। स्टफ्ड कुलचा बहुत पसंद है आपको। मोमोस और चिकन और मक्की की रोटी और बस। आप? स्पेशल थाली मोमोज चिकन डोसा बर्गर पिज्जा। आप? पिज्जा बर्गर। पिज्जा बर्गर पसंद है?
कुछ नहीं खाऊंगा। सब कुछ फ्री है खाने को? नहीं खाऊंगा मैं। डाइटिंग करोगे? क्यों? क्योंकि मोटा बहुत हूँ मैं अभी। कोर्स धीरे धीरे हर सब कुछ ट्राई करोगे? ऑफ कोर्स। मेनली क्या क्या, जैसे मतलब फर्स्ट 4 to 5 थिंग्स? नहीं, आई थिंक आइसक्रीम्स वगैरह ट्राई करूंगी, कुछ स्पेशल चॉकलेट्स अगर मिल जाए तो वहाँ पे। ऑफ कोर्स उनका फूड देखना चाहूंगी कैसा है। 5 स्टार कौन सा है, वहाँ जगह कौन सी है ये तो बताओ। भाई वैसे तो मैं आउट ऑफ कंट्री भी होकर आया हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जाता हूँ कि मुझे पंजाब का खाना ही मिले सबसे अच्छा। हाँ, अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और बस तवे वाली चपाती मिल जाए और दाल मिल जाए बस अच्छा है। आप बताइए। सेम एज इट। चिकन खाऊंगा ऑब्वियसली। मैं एक चैंपियन मंगवाऊंगा और कुछ भी मंगाओ। एक चिकन। चिकन चैंपियन चिकन। कुछ भी गरीब बंदे गरीब बंदा चिकन खाओगे ज्यादा देर। इतने टाइम बाद चिकन मिलना। नॉन वेज खाएंगे और सर नॉन वेज खाएंगे बस। दो पैग लवेंगे। ठीक है जी, नाल लवेंगे आप रोस्टेड। अच्छा ठीक है जी। ते उस तो बाद आइसक्रीम वगैरह खा के तो बस घर आना। बहुत ज्यादा नहीं खावांगे, इना के बहुत आ। सारा कुछ दसो भाजी। पैग दो लाके सारा कुछ लंगे जाना अपने आप ही। जो जो कुछ आ गया खा जाना। तेरे पैग बड़े लगदे यार। क्या क्या ऑर्डर करते हो? रोस्टेड। रोस्टेड पैग ना भाई। अपने सिंपल रोटी खांदा ही मजा आंदा है, भावे जो मर्जी वीरे टेड हमेशा रोटी नाल ही भरदा आ। ਕੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰੂਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾਲ ਬੈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਣੀ। ਘੰਟਾ ਬਚਾਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਰਿਸ਼ਭ ਕੁਮਾਰ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਰਿਸ਼ਭ ਕੁਮਾਰ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਰਿਸ਼ਭ ਕੁਮਾਰ। Subscribe to Rishabh Kumar. Subscribe to Rishabh Kumar. Subscribe to Rishabh Kumar. Subscribe to Rishabh Kumar. अगर आप किसी 5-star होटल में जाते हैं और आपके पास ऑप्शन है कि कुछ भी मंगाते रहो पूरा दिन, एक दिन जो मर्जी मंगाओ, तो आप क्या खाओगे? नहीं नहीं, आपको फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ जो मर्जी मन में है, जो टेस्टी लगता है मंगाओ। आप क्या बताओ क्या मंगाओगे? आपको पता है जैसे एक खंड वाले खत्म तबाह दुनिया कुछ नहीं है। अच्छा तो स्वागत है आपका चिट चैट विद आरके में। मेरा नाम ऋषभ कुमार है। मैं देखो रिकॉर्डिंग चल रही है ना। तो मेरा मतलब पहला सवाल है, आपको क्या पसंद है खाने में? और मेनू पसंद जो मिल जाए यार, रब की रजा नाल। गरीब बंदे हैं कि वैसे कितने आइटम आ वेखदा मैं। और सबसे मतलब बेस्वादी चीज क्या लगती है? सो स्वागत है आपका चिट चैट विद आरके में। मेरा नाम ऋषभ कुमार है। आजकल हाँ जी माइक है भाजी, असल में वॉइस रिकॉर्डिंग और नॉइस बहुत आया थी इससे, तो फिर इससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, चल रहा है बस। हाँ अमृतसर में ऐसा नहीं है, अमृतसर में ऐसा नहीं है। जब मैं काफ़ी टाइम मैं पहले मनाली गया था, एक ऐसे मैं अपनी शेयर करना चाहता हूँ, मनाली गया था, वहाँ पे लिखा था कि अमृतसर कुलचा ऐसे बड़ा बड़ा अक्षरों में, तो मैंने बोला था कि यार ये अच्छा बनेगा अच्छा। कहता हाँ, उन्हें जस्ट ऐसे एक जस्ट पापड़ी सी बना के दे दी, कहता ये अमृतसर कुलचा। मैंने कहा ऐसे नहीं है, तो वहाँ पे फिर मैंने उसे बना के दिखाया था कैसे अमृतसर कुलचा बनता है। वैसे आप कुक हैं? हाँ, खाने के साथ साथ मैं कुछ भी बना दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अब जैसे आपको पता है जैसे अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप किसी 5-star होटल में जाते हैं यार, कुछ ही मजा बड़ा लास्ट गाली तो